chiki chiki lucky chum, rap chiki lucky chiki chiki lucky chiki chum, fuck chiki lucky chiki chiki lucky chum, rap chiki lucky chiki chiki lucky chiki chum. मारा वारा तो नहीं तुझे उन्होंने? तुझसे तो भागा भी नहीं जाता है ना? पेट तो खैर मेरा भी बढ़ रहा है, पर तेरा पेट कुछ ज्यादा नहीं बढ़ता जा रहा? इसीलिए तेरी सांस फूल जाती है, तुझसे भागा भी नहीं जाता। खैर अब तेरी भागने वागने की उम्र भी कहाँ है, मैं तो भाग सकती हूँ ना। हाँ आखिरी निवाला खा रही थी मैं, हाँ आखिरी निवाला, तभी एकदम किसी ने जोर से मेरी पिंडली में चुटकी ले ली कि ए हरामजादी कुछ भी ना छोड़ा उसके लिए। देख कैसे छोड़ती, भूख में कुछ पता ही नहीं चलता है। भूख चाहे पेट की हो या जिस्म की हो, बस आदमी तातथैया करता रह जाता है। मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा तूने, पर तेरी रात का आसरा हो जाएगा। दो चपातियां हैं बस, जरा सर्दी से सूख के चमड़ा हो गई है, लेकिन वो पुदीने की और इमली वाले पानी की चटनी है ना, क्या मजा देगी खुदा की कसम। और वो लच्छे वाली प्याज भी है, तुझे पसंद है ना लच्छे वाली प्याज? देखना मैंने तो ना खाई, गोश्त के आगे मेरा हाथ ही नहीं रुकता, कुछ नजर ही नहीं आता। गोश्त खोर हूं ना मैं, गोश्त खोर। मैं तेरे लिए बना दूं, तेरे लिए प्लेट में निकाल देती हूँ। रामजाती कुत्ती कमीनी मुर्जा बेगरत, मुझसे पंगा लेगी, मुझसे मैडम रिजवाना से पंगा लेगी, औकात क्या तेरी? तो मैं तेरे लिए अगर दो चपातियां भी ना छोड़ती तो क्या करती तू? क्या करती तू? मैं तुझे जान से मोड़ देती। शंकर देख, शक्ल देख अपनी, जंगली बिल्ला बच्चे खाने वाला। कुत्ते की नस्ल है तू, कुत्ते की। तू कुत्ते की नस्ल, तू कुत्ते की नस्ल, तू कुत्ते की नस्ल। जोन से मार दूंगी तुझे मैं, कुत्ती यानी तो आराम साथी। कुत्ते की नस्ल है तू। Oh, my God.
वो खुदा बख्श बेकरी वाला बुड्ढा है, अच्छा है बेचारा। मालिक की नजर बचा के ना तो सारे पापे दे दिए मुझे, और छोटी वाली मक्खन की टिकिया भी। कल जाऊंगी ना, तू देखियो, दर्जन भर अंडे और केक रस भी ले आऊंगी। पर अजीब ठर की आदमी है, पहले तो थोड़ी देर कलाई पकड़े रहता है, फिर जोर जोर से सांसें लेता है, फिर कलाई छोड़ देता है। वैसे ऐसे बुड्ढों को ना ज्यादा देर जिंदा रहना चाहिए। ये खा ले, बड़े मजे के पापे दिए थे कुरुम कुरुम वाले। अब वो जो मक्खन की छोटी टिकिया दी थी ना, मैंने भी पिघला के उंडेल दी सारे पाप, बड़े मजे के लग रहे हैं, खा लेना। इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं हूं जो तुझे बेबी शबाना कहकर पुकारती हूं। अब तो कोई यकीन भी नहीं करता मेरे इस भद्दे और गोंडे झूठ पर। एक कम 40 की, दो कम 40, हमेशा एक साल आगे बढ़ा देती है मेरी उम्र का मनहूस औरत। तू जल्दी बढ़ापा चढ़ा लिया अपने, खाका के सांड हो गई है, कैसे चलाऊं, कैसे चलाऊं ये खोटा सिक्का, चला वा कारतूस। आए हाय, मैं तो अभी भी इतनी अच्छी हूं, ऐसी लचक है मेरे बदन में, ऐसे फास्ट ठुमके लगाती हूँ, कोई कमी नहीं है मुझ में। मेरे अड्डे की 7 लड़कियां गई फिल्मों में, ठोकर गली की किसी और अपने मेरे जैसी तरक्की नहीं की। पूरे शहर में मेरे से बढ़िया लड़की और किसी के पास नहीं थी। अल्लाह बख्शे, मेरी बहिश्तन माँ कहा करती थी, रज्जो धंधे में रियायत नहीं, ना अपने आप से ना लोगों से, गाहक के साथ रिश्तेदारी करनी हरामकारी का रिश्ता होता है। इसलिए ना उनसे वफा की तवक्को रखो और ना खुद अपनी आंखों में वफा रखो। अब ये कूड़ा करकट का ढेर उनके सामने फेंक कर उनसे ये तवक्को करूं कि वो मोतियों से मुझे तोल देंगे तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ये कूड़ा करकट किसे कहा तूने? मैं तो अभी भी चीज हूं चीज। आखिर वो बेकरी वाला बुड्ढा यूं ही तो नहीं अपनी बेकरी की चीजें लुटाता ना मुझ पर,
कुछ तो देखा होगा उसने मेरा फिगर। पूरी 9 लड़कियां। गुड्डू, कुकू, जरीन, सनम, सवेरा, नादरा, बबली और चंदा। नौजवान लड़की है। वो भी सिर्फ 17-18 के फेर में। किसे मालूम था, किसे पता था कि नए साल की तकरीब में 9 जनाजे गिरे। मेरी 9 लड़कियां मार दी मेरे अड्डे पर। 0 अंडे पर पहुंचा दिया मुझे। मेरी बहिश्तन माँ कहा करती थी कि रज्जा, मर्द में औरत से भी बड़ी और बुरी औरत की रूह छुपी होती है, इसलिए तो उसे सुकून, खुशी, इत्मीनान अच्छा नहीं लगता। इसलिए तो वो दुनिया को मैदाने जंग बनाने पे तुला रहता। सारे मर्दों ने साजबाज कर ली कि मैडम रिजवाना औरतों की औरत की कमाई क्यों खाए। औरत की कमाई पर तो मर्दों का हक होता है। सरकारी जमीन मेरे नीचे से कंजरों ने पूरी जिंदगी पे नहुसत छा गई। अब कोई लड़की भटकती नहीं है इस जगह पर। शमशान घाट बन के रह गई है ये जगह। बावली हो गई है बुढ़िया, जीते जागते घर को शमशान घाट कह रही है इंदुवानी कहीं की। मुंह अच्छा ना हो ना तो बात तो अच्छी कर लेनी चाहिए कम से कम। अब भी सोचती हूँ तो पटाखे फूटने लगते हैं यहाँ दिमाग में। वो 9 नाचती हुई लड़की की जवानी की बलाएं ले रही थी। मेरी मां कहा करती थी कि बंदे को जिंदगी में एक मौका मिलता है अंतर्यामी बनने का। उस समय मैं भी अंतर्यामी हो गई थी, लेकिन जब वो नौ लाशें गिरी अंतर्यामी से फिर मैडम रिजवाना बन गई। मुझे
मुझे अंदर ही अंदर कहीं पता था उनकी मौत का, लेकिन मैं उनकी मौत नहीं रोक पाई। यकीनियत, खुदा की कसम, जब जिंदगी पर इतनी हैरत नहीं होती तो फिर मौत पर क्यों इतनी हैरत होती है तुझे? कैसा नाजी? तेरा मोटापा अब आम मोटापा नहीं रहा। जलकुकड़ी, हसदिया औरत, जाके देख जरा शीशे में अपने आप को। अच्छी तो लग रही हूँ, श्री देवी की तरह। वैसी ही गोल चेहरा है, वैसी नशीली नशीली आंखें। वो याद है तुझे शमशाद की सालगिरह में गए थे ना, मैंने नीली जाजट की साड़ी बांधी थी। पता है शमशाद वालियाँ क्या कह रही थी? कसम से शबाना, अगर तेरा कद जरा सा लंबा होता ना तो बिल्कुल श्री देवी लगती। कितने साल पुरानी बात है ये? ज्यादा पुरानी तो नहीं है। उल्लू की पट्टी हमेशा मुझे जलील करती रहती है। मेरी सारी लड़कियां मुझसे आप करके बात करती थी, हमेशा बड़ी इज्जत करती थी मेरी, रोज सुबह पैर छूती थी मेरे, तेरी तरह नहीं। तूने मेरा वो मकाम व रुतबे वाला वक्त नहीं देखा ना, पेशाब खता हो जाता था मेरे सामने सबका। अब बैठ ही रहे यहां पर और जुगाली करती रहे अपनी माजी की। देख शबाना, मैं तुझे जलील नहीं करती, लेकिन ये तो सोच, अपना काम छोड़ के भीख मांगना अच्छा लगता है? मैंने कहा था भीख मांगने को? मैंने कहा था, गलत कहा था। अब नहीं होना चाहिए ऐसा। अब कोई नहीं आएगा तो यही होगा, और अब मुझे नहीं बुरा लगता है। एक बात कहूं बेबी शबाना, तू जबान की कड़वी जरूर है, मगर इस बुरे वक्त में तूने जो मेरा साथ दिया है ना, तेरी जगह कोई और होती ना भाग चुकी होती। कोई होती ना जवान कमसिन खूबसूरत सी लड़की तो कभी नहीं रुकती तेरे पास, और तेरी वो 9 लड़कियां जिंदा होती ना तो तुझे लात मार के यहां से निकाल देती।
बाबू, सुख के तो करोड़ों साथी होते हैं, दुख में कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं। इस बुरी घड़ी को टाल सकते मैं और तू? ये ठीक है कि तू मेरे बुरे वक्त पर मेरे पास आई है, मगर बेबी शबाना, मेरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। ए, हाथी मत कहना मुझे। खुद को कह रही हूँ। हाँ फिर ठीक है, मैं अब भी मैडम रिजवाना हूँ, अब भी जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तुझे फायदा पता है क्या है? तेरा कद छोटा है, तेरे चेहरे पे मासूमियत है और तेरी आंखें नशीली है। वजन कम कर लेना तू अपना, तो मैं लिख के देती हूँ तुझे, 27-28 से ज्यादा की नहीं लगेगी। ये बात तो है, पहले भी तो कितनी बार कोशिश की पर नतीजा क्या निकला? इस बार तू ठान ले कि तूने दुबले होना है। सोच, बाबरा शरीफ है ना, मैं नौजवान थी, मैंने उसका इश्तेहार देखा था, वो जेट वॉशिंग पाउडर। हाँ। चमकीली धुलाई के लिए सबसे बेहतर जेट वॉशिंग पाउडर, कैसे लट गिरा के लाइट ला के गा रही थी है? मेरी अब उम्र हो गई, लेकिन अब देख, अभी मैंने उसका फोटो देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, लड़की लगी बड़ी है। उम्र से कुछ नहीं होता, सब टिप टाप की बातें। तू तो अल्लाह माफ करे, खाना सामने देखकर अपने होश ही गंवा बैठती है, ऐसे गैर इंसानी निवाले खा रही होती है। देख, तुझे अच्छा नहीं लगेगा जब तू वो घेरदार शलवार के ऊपर छोटी लंबे चाकों वाली कमीज पहन के हिरने की तरह कभी इधर दौड़ेगी कभी इधर दौड़ेगी, हैं? फायदा मुझे नहीं तुझे भी है। तुझे याद है ना, एक दफा तुझे कितना कितना सख्त नमूनिया हो गया था, कितना वजन गिरा था, तेरा दुबली हो गई थी एकदम, कितनी प्यारी लगती थी। हाँ। सिप्पी वाला याद है, वो बंदा कैसा पागल हुआ था तेरे पीछे। तो फिर दुबला क्यों नहीं करती अपने आप को? मुश्किल काम है ना, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है। कहती तो तू ठीक है, वो लंबे चाकों वाली छोटी कमीज और खूब घेरदार शलवार में कैसी उद्दम लगूंगी ना मैं? कंचा, पोपट लगेगी पोपट। देख बेबी शबाना, हमारे पेशे में ना जो दिखती है वो बिकती है। अब अच्छा थोड़ी लगता है, लोग आते हैं और थू थू करके जाते हैं। कब तक हराम पाइयों से पैसे घसीटते रहेंगे हा? बोल, अब ये थल थल करते वजूद को सांचे में डाल ले। कहती तो तू ठीक है, धंधे में उम्र बढ़ानी है तो फिर वजन तो घटाना पड़ेगा। तो फिर आई एम रेडी। ये हुई ना बात। मैं हो गई दिलदार की।